अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी समझी जाती है। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन कौन सी हैं। हमने पहले पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, कि उसमें कितनी टर्म्स होती हैं तो वो कौन सी पॉलिनोमियल की फॉर्म कहलाई जाती है। डिग्री की बेस पे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि पॉलिनोमियल हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स मौजूद होती हैं, उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन फिर देख लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू एंड मोर देन टू टर्म्स, टू और मोर देन टू टर्म्स, तो वो एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, डिग्री वो भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री क्या होती है जी? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये दो चीजें रिकॉल करने का मकसद ये है कि जो आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री की बेस पे, तो इसमें हमें पहले पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए और डिग्री का पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो चीजों की बेस पे आज का लेक्चर है। तो पॉलिनोमियल की बेस जो है, डिग्री की बेस पे जो टाइप्स हैं वो तीन किस्म की हैं। पहली है जी लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली जो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो वन हो। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होगी उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि पॉलिनोमियल हैविंग polynomial which have first degree variable, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6x + 9 7x + 3, तो इसमें x की पावर जो है यहां 1 है, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री जो है 1 है। इस वेरिएबल की पावर 1 होने की वजह से इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें भी इसी तरीके से x की पावर 1 है जिसकी बेस पे इसकी डिग्री 1 है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की ऐसी टाइप जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है
उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है वो टू होती है। इसकी डेफिनेशन ये है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, 6x² + 3x - 2। अब अगर मैं इस एग्जांपल में डिग्री चेक करूं तो वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, तो यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब जिस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 होगी, कि वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होगी हाईएस्ट, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जी, 11x² + 9x - 12। इसमें भी अगर देखें तो x जो है वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसा वेरिएबल जिस तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। थर्ड पे आता है जी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 हो, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग हैविंग डिग्री 3। इसकी एग्जांपल क्या है जी, 7x³ + 3x² + 12x - 9। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखें तो हाईएस्ट पावर 3 है और यही इसकी डिग्री है, इसलिए डिग्री जो है इसकी 3 है, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन कौन सी है। इसमें हमने एलेबोरेट किया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तीन तरह की हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे लेक्चर्स को सुनने के लिए मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें। अल्लाह निगेबान।